अनाथ बच्चियों को आसरा देने का काम कर रहे चंद एनजीओ की हौसला अफजाई के लिए सिरीफोर्ट में एक खास कार्यक्रम हुआ। इसमें कई बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की। अनाथ बच्चियों के लिए ये शाम वाकई एक यादगार शाम रही। एक शाम रही सितारों से रोशन। सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में अनाथ बच्चियों के लिए किए गए इस प्रोग्राम में कई बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की। जहां एक और खूबसूरत फिल्म से सोनम और फवाद खान पहुंचे, वहीं बच्चियों का जोश बढ़ाने बिपाशा भी पहुंची। इन बॉलीवुड सितारों ने शाम का मजा और दुगना कर दिया। इन लोगों ने बच्चों को ढेर सारे तोहफे दिए। आज का जो माहौल है इंडिया का, वी डोंट रिस्पेक्ट वुमेन एंड गर्ल्स इनफ, और ये बहुत दुख भरी बात है, क्योंकि वी कॉल इंडिया मदर इंडिया, ओके, एंड एवरी वी ड्यूरिंग दिवाली वी वर्शिप देवीज, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, एंड एवरीथिंग दैट वी डू इज टू शो रिस्पेक्ट टू वुमेन इन द फीमेल फॉर्म, और हम उसको भी रिस्पेक्ट देते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट कॉज। क्या कहते हैं, दिल्ली रॉक्स, इट रियली डज। हर फैमिली में जो अपॉर्चुनिटी एक लड़के को मिलती है, वही अपॉर्चुनिटी एक गर्ल चाइल्ड को मिलनी चाहिए। अपनों का सपनों से मेरे दिल में एक बात है, चलती रहती दिन रात है। ये जश्न उन बच्चियों के लिए था जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जिन्हें बस चंद एनजीओ का ही आसरा है। अनाथ बच्चियों को सहारा देने वाले कई एनजीओ को सम्मानित किया गया, साथ ही साथ इन बच्चों ने धमाकेदार परफॉर्मेंस भी दी। बहुत मैजिक सा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देख के, और आज लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। अच्छा लगा मैम, हमें इनके बारे में अच्छा लगा। इस शाम को और भी खास बनाया बॉलीवुड हस्तियों ने। जी हाँ, सोनम कपूर, फवाद खान और बिपाशा बसु इन बच्चों के सपोर्ट में पहुँचे। मिला जुला कर ये शाम इन बच्चों के लिए काफी शानदार रही। कैमरा पर्सन पिनाकी सेन के साथ शांकी सिंह, दिल्ली आज तक। तो फिलहाल दिल्ली लाइव में दीजिए इजाजत, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद पीसीआर।